कि कोरोना के टाइम पे पाकिस्तान की साइड से हमें कितनी हेल्प मिली थी इंडिया को, जो ईदी फाउंडेशन है वहाँ से हमें काफ़ी हेल्प मिली थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ पाकिस्तान मिलिट्री 1.0 फीट प्लेनिंग। तो ऐसा कुछ यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, वहाँ की जो फौज आर्मी है, वहाँ के कुछ सीन्स कैप्चर किए होंगे, क्योंकि टाइटल से तो यही हमें पता लग रहा है। और इस वीडियो के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया है मुस्तफ़ा मलिक, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम पर भी, प्लस यूट्यूब कमेंट्स में भी इन्होंने मुझे कई बार इस वीडियो के लिए सजेस्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। बट बिफोर आई स्टार्ट, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। ट्रिब्यूट टू फाइंड द स्क्वाड ऑफ यूट्यूब, ट्रिब्यूट टू पाकिस्तानी आर्मी, ऐसा करके है ये कोई वीडियो। ओके गाइस, सो ये था वीडियो। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई कई गुना ज़्यादा ये ऊपर था वीडियो। मतलब यार, दिल से सैल्यूट है आर्मी के नौजवानों को। और इसके अंदर जितने भी लोग दिखाए हैं, मतलब
एक तो वो जो ब्लास्ट वाला जो इन्होंने एडिट किया हुआ था ना, जिस तरीके से, एक तो वो पीछे बैकग्राउंड में प्लेनवी म्यूज़िक जो है वो कई वीडियोस मैंने इटरुल गाजी की जो रिएक्शन में ऐड की है तो उनमें भी ये म्यूज़िक होता है बैकग्राउंड में। ये म्यूज़िक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब इतना ज़्यादा गूज़बम्स आते हैं ना इस म्यूज़िक के जब ये कहीं भी प्ले हो जाता है। और उसके साथ जब मिलिट्री के साथ जब ये म्यूज़िक लगे तो आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल एक यू नो कॉम्बिनेशन बन गया था। और जिस तरीके से इसमें जितने भी सीन्स इन्होंने दिखाए, वो ब्लास्ट वाले जो सीन थे जैसा कि मैं अभी बोल रही थी, वो बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहे थे बीट्स के साथ जो बैकग्राउंड में बीट्स चल रही थी। या वो शिप वाला सीन ऑल्सो, जो ऊपर से जिस तरीके से जिस एंगल से वो शूट किया हुआ था ना, बड़े बड़े शिप्स हैं तरीके से वो शूट किया हुआ था, एवरीथिंग वॉज सुपर। देखो यार, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान को दांव पे लगाना, वो सच में ये सोल्जर्स ही कर सकते हैं। हम तो सिर्फ अपने घरों में सेफ़ रहते हैं, हमें नहीं पता, हम लोग जब यहाँ पर सेफ़ रहते हैं तो हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो कंट्री की जो आर्मी होती है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, मैं बेशक इंडिया से बिलोंग करती हूँ बट मैं हर एक कंट्री की जो आर्मी होती है वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट सच में दिल से निकलती है, क्योंकि उनका जो वर्क है ना, उनका टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग सिर्फ वीडियोज़ में देख के हम हैरान हो जाते हैं कि हाय ये लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो सारी चीज़। और बाकी रही बात यार, अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्यार बांटना चाहिए ना, उससे क्या होता है, आपसी रंजिशें और मनमुटाव जो है ख़त्म होता है। अब वैसे भी पहले के मुकाबले तो अब फिर भी काफ़ी कम हो गया है इंडिया और पाकिस्तान में, काफ़ी मतलब पहले के मुकाबले थोड़ा एक बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ है जो कि अच्छा भी लगता है देख के। हो सके प्यार को स्प्रेड करो, क्योंकि क्योंकि एक जो लव होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एंड वी ऑल नो कि कोरोना के टाइम पे पाकिस्तान की साइड से हमें कितनी हेल्प मिली थी इंडिया को, जो ईडी फाउंडेशन है वहाँ से हमें काफ़ी हेल्प मिली थी, वीडियो के थ्रू मैं सच में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया था सच में काबिले तारीफ था। सो यार, दिल से सैल्यूट है सोल्जर्स के लिए, आर्मी के लिए, फिर चाहे वो इंडियन आर्मी हो या पाकिस्तानी आर्मी हो। सो मुझे वीडियो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा, दिस वॉज माई रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, अच्छा लगा है पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।